आए दिन हमीरपुर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसी के चलते तहसीलदार मित्रदेव की अगुवाई में नगर परिषद हमीरपुर पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और दोबारा अतिक्रमण करने की सूरत में सामान जब्त करने के साथ साथ चालान करने की भी चेतावनी दी। वहीं इस औचक निरीक्षण के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में दुकानदार सड़क से सामान हटाने में जुट गए। औचक निरीक्षण के दौरान ईओ विनोद कुमार, कानूनगो शमशेर सिंह, राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। हमीरपुर जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए तहसीलदार के दीक्षा में नगर परिषद और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की एक कमेटी गठित की है। हमीरपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर सवाली निशान भी लगते रहे, क्योंकि आज भी जैसे तैसे नगर परिषद और पुलिस के कर्मचारी आगे बढ़ते गए, पीछे से दुकानदारों ने पूर्व की भांति ही सामान सड़कों पर सजा लिया, जिससे जिला प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम महज औपचारिकता ही साबित हो रही है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण मार्ग भी काफी सिकुड़ गया है। हमीरपुर तहसीलदार मित्रदेव सिंह ने कहा कि शहर में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई है, शहर में अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बार बार न मानने वालों पर सख्त रवैया अपनाकर उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो नालियां हैं वो अवरुद्ध न हो तथा तो मार्केट में जो है सफाई की व्यवस्था कायम रहे तथा तो लोगों को आने जाने वालों को और जो ग्राहक हैं किसी को कोई असुविधा ना है, जो लोग मार्केट में आते हैं उनको कोई असुविधा न हो, इसलिए चीज उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया होता उनको पीछे बढ़ाया गया और बाजार जो है खुला किया गया ताकि सबके लिए सुविधा का है। चेतावनी दी गई है इनको, अगर उसके बाद ये नहीं मानते हैं तो उनको आगे आगामी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फाइन का इशू ऐसा है, अगर कल को कोई डिसोबे करता है, हमारी वार्निंग को नहीं मानता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट रूप में लिया जाएगा। तो आज जो हमने किया उसके बाद जो देखते हैं इनका क्या जर्नी का क्या करता है, पॉसिबली ठीक आएगा तो कोई नहीं।